से 3-4 लाख कैपिटल वाले ट्रेडर्स ट्रेडिंग छोड़ देंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विपुल दिस साइड। सो चलिए देखते हैं अभी मार्केट का क्या सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि एनएससी ने अपना सिनेरियो, मतलब जो भी उनका सर्कुलर था, वो रिलीज कर दिया है लॉट साइज को लेके, और जो कि इम्पैक्ट अभी पड़ने वाला है 20 नवंबर से। तो ये देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके बारे में 2 मिनट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा वो निफ्टी 50 दिख रहा होगा, है ना, निफ्टी 50 सिंबल निफ्टी एग्जिस्टिंग। अभी इसका 25 का लॉट है जो कि अब आगे जाके 75 का होने वाला है। देखो लॉट साइज बड़ा है, इसके साथ हुआ ये है कि अभी अगर जैसे सेल करेंगे ना तो अब आराम से यार अच्छा खासा पैसा लगने वाला है, ठीक है। द थिंग इज दैट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द डे इज रिव्यू विद इन 15, मतलब 15 से 20 लाख तक ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बढ़ा देंगे। कुल मिला के छोटे ऑप्शन सेलर्स को मार्केट से एग्जिट कर दिया है, और जिनके पास कम कैपिटल सेल है, जो छोटे मोटे सेलिंग करते थे, लाइक मैं 2-3 लाख से अगर सेलिंग करता भी था तो अभी वो 2-3 लाख से बाइंग करनी पड़ जाएगी सिंपली, मतलब जब इनको पता है जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है उसी में ही उसी को बढ़ावा दे दिया। बाकी एक चीज़ बस अच्छी हुई है कि जो एक्सपायरीज थी वो ख़त्म कर दी, बट बैंक निफ्टी को नहीं ख़त्म करना था। बैंक निफ्टी और निफ्टी दो तो जो मार्केट पहले था उसको वैसे ही रहने देना था, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर देंगे तो वो सत्यानाश हो जाती है, चाहे वो कोई काम हो, कोई प्रोफेशन हो, कोई गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। सो द थिंग इज दैट किसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हो चुके, मतलब अति के बाहर, इतना मार्केट था नहीं, मार्केट को जैसा था नॉर्मल रहने देते। हाँ आप एग्जाम बैरियर लगा देते कि भैया एग्जाम निकल, देन ओनली यू कैन ट्रेड इन FNO, देन इट विल बी अ गुड थिंग। क्योंकि देखो कैपिटल ज़्यादा बढ़ाने से इनको क्या होगा, जो कर रहे हैं जिनको लत लगी है किसी चीज़ की वो नहीं छोड़ेंगे, उनके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठेगी भैया हम थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट पर काम करें। होगा क्या कि पहले भी लोग लोन लेके ही ट्रेड करते थे, अब तो और ज़्यादा खतरनाक सीन बन जाएगा, लोग और लोन लेके ही काम करेंगे यार। चीज़ें महंगी तो कर दी, बट उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप कोई एंटी बैरियर लगा देते देन उसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं था। आपको दिमाग से जब आपको नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। स्पेशली अब जो सीखना भी चाहेंगे ना, चलो ये चीज़ अच्छी कि जो लोग पहले से हैं उनने सस्ते में सीख लिया, लाइक अगर जो भी 3-4 साल से हैं उनने सस्ते में सीख लिया है, अब अगर वो अपना कैपिटल इसमें इंट्रोड्यूस करते भी हैं देन ठीक है, उनको कोई नहीं होगा। बट बाइंग को बढ़ावा देना ये बहुत गलत चीज़ है। आपको ऑप्शन सेलिंग को देना था तो ठीक था, ऑलरेडी आप देख सकते हो STT टैक्सेस खतरनाक तरीके से बढ़ रहे हैं। अभी ये जो चीज़ें हुई है ना, इनसे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ब्रोकर्स को पड़ेगा। अभी देखना एक एक के लाले लग जाएंगे। कुछ चीज़ें ठीक हैं बट बहुत चीज़ें नेगेटिव हैं, एज अ ट्रेडर प्रोफेशन बहुत ज़्यादा सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। इसमें अभी क्या लॉट साइज, वो कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ जाएगी, 15 से 20 लाख हो गए जो कि अभी 5 से 10 लाख है, और ये क्या 20 नवंबर से लागू हो जाएगा ऑल न्यू इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में। और एक और अपडेट, निफ्टी और क्या बोलते सेंसेक्स की वीकली, निफ्टी 50 और सेंसेक्स की रहेगी वीकली एक्सपायरी, बाकी सारे इंडेक्सेस की हो जाएगी मंथली एक्सपायरी। तो अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना भी होगा आपको थीटा डेके के लिए, तो आपको मंथली, मतलब जो मंथ की लास्ट वीक रहेगी ना, उसी में कर पाओगे आप बैंक निफ्टी को ट्रेड। चलिए अब कोई नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। और ये अपडेट्स ही, सो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।